राजस्थान के सियासी संग्राम में गहलोत से मात खाने के बाद सचिन पायलट के सामने विधानसभा की सदस्यता बचाने की चुनौती है। स्पीकर के नोटिस के बाद सचिन पायलट और उनकी टीम नोटिस का जवाब देने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को दल बदल कानून के तहत नोटिस जारी किया है। इस बीच गहलोत कैंप ने सचिन पायलट पर 6 बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि पायलट जानबूझकर विधायक दल की बैठक में नहीं आए और उन्होंने सरकार गिराने की साजिश रची। कांग्रेस भले ही आरोप लगा रही है, लेकिन सचिन पायलट ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। पायलट ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस की वापसी के लिए कड़ी मेहनत की है। राजस्थान में कुछ नेता अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। स्किल इंडिया मिशन को आज 5 साल पूरे हो गए हैं। स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय की ओर से आयोजित डिजिटल कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा कि आज स्किल युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है। छोटी छोटी स्किल ही आत्मनिर्भर भारत की शक्ति बनेगी। पीएम मोदी ने युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल का मंत्र दिया। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें, जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया, लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है, उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है। मुंबई पर अगले 24 से 48 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। आज सुबह से ही मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मुंबई की कई सड़कें डूब गई हैं और सारे सबवे बंद कर दिए गए हैं। वहीं समंदर में भी हाई टाइड की आशंका है। समंदर में 10 फीट ऊंची लहरें उठने की आशंका है। नवी मुंबई, रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और कोंकण इलाके में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुगिरी में भारी बारिश की आशंका है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ जिलों में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। मुंबई में बारिश का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। जगह जगह वाटर लॉगिंग की तस्वीरें आ रही हैं। इस बीच मुंबई के कई सबवे डूब चुके हैं। इन सबवे में पानी भरा है, जिसके बाद बीएमसी की टीमों ने सारे डूबे सबवे को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया है। मुंबई में नॉनस्टॉप बारिश की वजह से कहीं जल भराव है तो कहीं ट्रैफिक जाम के हालात पैदा हो गए हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे समेत कई इलाकों में ट्रैफिक जाम है तो मिलन सबवे में पानी भरा है। खार सबवे, किंग सर्कल, अंधेरी सबवे, हिंदमाता और कांदीवली जैसे मुंबई के कई बड़े इलाके पानी पानी है। नॉनस्टॉप बारिश के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कुर्ला एक्सप्रेसवे पर एयरपोर्ट के पास भी पानी भर गया है। नागपुर में लगातार बारिश की वजह से अंबाझरी लेक ओवरफ्लो हो चुका है। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए वहां पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार हर दिन नई ऊंचाइयां छू रही है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया है और पहली बार एक दिन में 29,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 29,429 केस सामने आए, जबकि 582 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस बीच 20,572 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इस तरह अब देश में कोरोना के टोटल केस 9,36,181 हो गए हैं। इनमें से 24,309 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि 5,92,032 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ डराने वाला है। दिल्ली में अब तक 1,15,346 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 3,446 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में ही 1,606 नए केस सामने आए हैं, जबकि 35 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र का कोरोना मीटर भी तेजी से भाग रहा है। यहां अब तक 2,67,635 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 10,695 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 8,282 नए केस सामने आए हैं और 213 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई।